नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल राहुल जी मीडिया में एक बार फिर से। दोस्तों, विक्की कौशल की मोस्ट वॉटेड फिल्म सैम बहादुर, जिसे बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 8 दिन हो रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे इस फिल्म के शुरुआती 7 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में और 8वें दिन के बॉक्स ऑफिस प्रिडिक्शन के बारे में। तो देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपका दोस्त सुमित केरावल। तो देरी ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपसे एक बता दूं कि बॉलीवुड की मोस्ट वॉटेड फिल्म सैम बहादुर, जो कि एक बायोग्राफी वार्म ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया है मेघना गुलजार ने। वही दोस्तों, इस फिल्म में लीड रोल में देखने को मिल रहे हैं विक्की कौशल, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख। वहीं दोस्तों, इस फिल्म को 1 दिसंबर को रिलीज किया गया है, जिसे रिलीज हुए आज बॉक्स ऑफिस पर 8 दिन हो रहे। तो बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो यह फिल्म अपने पहले दिन 6,25,00,000 रुपए का, वहीं पहले हफ्ते से 38,90,00,000 रुपए कलेक्शन कर चुकी है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 7 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 38,90,00,000 रुपए का। वहीं दोस्तों, बात करें इस फिल्म के 8वें दिन यानी आज की, तो यह फिल्म आज लगभग 3,50,00,000 रुपए कलेक्शन कर रही है। इसी के साथ दोस्तों, इस फिल्म के शुरुआती 8 दिनों का इंडिया नेट कलेक्शन 42,40,00,000 रुपए का, तो इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो रहा है 48,20,00,000 रुपए का, तो वही वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो रहा है 53,50,00,000 रुपए का। तो दोस्तों, ये थे विक्की कौशल की फिल्म सैम बहादुर के शुरुआती 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट। तो दोस्तों, अगर आपने फिल्म देख लिया तो हमें नीचे कमेंट्स कर बताइए कि आपको ये फिल्म कैसी लगी। आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप भी विक्की कौशल को एक बेहतरीन एक्टर मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इस फिल्म की आने वाली सभी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।